पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एसएसबी को मिली है बड़ी सफलता, 3 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हाईटेक हथियार भी बरामद किए हैं नक्सलियों के पास से। कांकेर में एसएसबी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 3 नक्सलियों को ढेर किया है एसएसबी ने अपने ऑपरेशन में। डीजीपी ने कहा कि एसएसबी के नेतृत्व में ऑपरेशन सफल रहा है, एसएसबी को बड़ी कामयाबी मिली, 3 नक्सलियों को ढेर किया और नक्सलियों के पास जो हाईटेक हथियार थे वो भी एसएसबी ने बरामद किए हैं और वो हथियार अब एसएसबी के पास है। डीजीपी ने कहा कि एसएसबी के नेतृत्व में सफल ऑपरेशन रहा, 3 बेहद भयानक नक्सलियों को एसएसबी ने ढेर कर दिया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएसबी को बड़ी सफलता मिली, 3 हाईटेक हथियार वाले नक्सलियों को एसएसबी ने ढेर किया है। डीजीपी ने इस बात की पुष्टि की है। तो कांकेर में एसएसबी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, लगातार नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो जारी रहती है। एसएसबी के नेतृत्व में ऑपरेशन सफल रहा, डीजीपी ने साफ तौर पर ये कहा है। कांकेर में एसएसबी ने ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है और उनके द्वारा जो हाईटेक हथियार जो उनके पास थे वो बरामद कर दिए गए हैं। अमर सदार हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। अमर, हमने देखा किस तरीके से एसएसबी लगातार इन ऑपरेशंस को संचालित करती रहती है और ये बेहद कठिन होता है। 3 नक्सलियों को जो हाईटेक थे, उनके पास हाईटेक हथियार थे, उनको ढेर कर दिया है एसएसबी की टीम ने, क्या कहेंगे अमर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस का जो ऑपरेशन अभियान है वो लगातार सफलता हासिल कर रही है और लगातार जो है नक्सलियों के जो बनाए हुए कैंप पे कैंप ध्वस्त करके लगातार जो है नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अंतागढ़ के जो एसबी के जवान हैं और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में जो है एक जवान घायल भी हुए थे हालांकि, और घायल जवान के जो पैर में गोली लगी थी और वही 3 नक्सली के मारे जाने की भी खबर है, 2 पुरुष एक महिला नक्सली भी बताई जा रही है। मुठभेड़ में जो है 6 नंग हथियार भी बरामद किए गए हैं जिसमें से AK-47 है, 12 बोर के SLR ऑटोमेटिक गन भी है और ये घटना है सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। वही दूसरी ओर हम बात करें तो आपात बैठक बुलाकर जो है डीजीपी ने विभाग की आपात बैठक बुलाकर और आगे की रणनीति तय की है और कहा है कि और आगे भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी अमर, एक बात और जानना चाहेंगे, ये जो नक्सली जिनको ढेर किया गया है, इनको इनके ही इलाके में जाके ढेर किया गया है या ये किसी ऑपरेशन के लिए बाहर निकले हुए थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस का जो है स्पेशल जो है ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन के बीच पे दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई थी, दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी जिसपे 3 नक्सली को मौत के घाट उतारा गया था, वहीं एक हमारे जवान भी घायल हुए हैं जिनके पैर पे गोली लगी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मुठभेड़ हुई थी क्योंकि ऑपरेशन पुलिस जवानों के द्वारा एसबी के द्वारा किया जा रहा था। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया अमर आपका।